अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम आपको जो है शरबत बनाना सिखा रहे हैं, सबील बनाना सिखा रहे हैं। आप दूध की बना के तैयार करके नियाज बांट सकते हैं। आप जो है टैंक शरबत की बना के, नींबू की शिकंजी की, पानी सादा जिस तरह आपका दिल करता है आप बना के इमाम हुसैन की नियाज तकसीम कर सकते हैं। तो ये आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। ये पानी हमने लिया है, ये सादा पानी है, इसमें हमने ये चीनी ऐड करनी है। ये मैं आपको थोड़ी मिकदार में बनाना सिखा रही हूँ। तो ये हमने इतनी इसमें चीनी ऐड कर दी है और इसको हम अच्छे तरीके से चीनी को मिक्स कर लेंगे। ये इधर चीनी जब तक हमने पानी में छोड़ दी है और इधर ये देखिए ये बर्फ़ है हमारे पास, कच्ची बर्फ़ है। इसमें हाफ बर्फ़ है और हाफ पानी है, कच्ची बर्फ़ जिसको बोला जाता है वो है हमारे पास। और ये हमारे पास टैंक है, हम टैंक बनाएंगे। ये टैंक है हमारे पास, तो ये सारा भी इसमें ही हम ऐड कर देंगे और शरबत बनाएंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त स्टोरी टैंक का ये बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त, नियाज दें, दिल से दें। तो ये तरीका मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ी मिकदार में बना के सिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह आप लोग भी बनाएं। मैं चीनी सारी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। जब चीनी इसमें सारी घुल जाएगी, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी, फिर मैं इसमें ठंडा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि गर्मियाँ हैं। गर्मियों में 7 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक लोगों को जितना भी पानी पिलाएं कम है, आपको सवाब की नीयत से पानी पिलाना चाहिए। अपने घर के आगे पानी का कूलर कप वगैरह भर के रखें लोगों के पीने के लिए। मुहर्रम में आप जितना भी पानी लोगों को पिलाएंगे आपको सवाब मिलेगा और वो बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए ये हमने चीनी सारी अच्छे तरीके से मिक्स कर ली है। तो अब हम ये ठंडा पानी इसमें डालेंगे। ये देखिए, और अब ये जो बर्फ़ है ये भी हमने इसमें ही ऐड कर ली है। तो हमने निकाल लेना है बर्फ़ को भी और ये लेना है इस तरह। ये देखिए तमाम बर्फ चूरा बन गई है और ये देखिए मज़ेदार टैंक बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह आप भी बनाएं, लोगों को पिलाएं और सवाब कमाएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी नई रेसिपी के साथ, फिर किसी नए ड्रिंक के साथ आपकी आपकी हाजिर होंगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।